आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। जब हम भविष्य में कोई जिम्मेदारी या किसी मजबूरी के बारे में बात करते हैं तब हम शैल हैव टू और विल हैव टू की बात करते हैं। जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन एंड मजबूरी कंपल्सन। कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इस सेंटेंस में देखेंगे तो किसी मजबूरी की बात हो रही है, मुझे इंग्लिश सीखनी होगी। इस सेंटेंस में किसी जिम्मेदारी की बात हो रही है। तुम्हें एक निबंध तैयार करना होगा, यहाँ जिम्मेदारी की बात हो रही है, उससे एक पाठ तैयार करना पड़ेगा। ये तो है सिंपल सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव, क्या मुझे भी कुछ करना होगा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। क्या उसे यह काम करना होगा? उसे क्या करना होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं, जैसा कि यहां पर पहला सेंटेंस है, यहां पर मुझे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। एक्चुअली हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मुझे, इसकी जो सब्जेक्ट है ये है फर्स्ट पर्सन। तुम्हें, यहां पर इसका जो सब्जेक्ट है ये है सेकंड पर्सन। देखते हैं किस प्रकार से पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। पर्सन के अकॉर्डिंग आई वी फर्स्ट पर्सन होंगे, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट ये थर्ड पर्सन है, और इनके अतिरिक्त जो भी हैं यहां पर मैंने डाल दिया है अदर, नेम है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो हमको यहां पर यह ध्यान देना होगा, जब फर्स्ट पर्सन हो वैसे उस सेंटेंसेस में शैल हैव का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन का मतलब यदि कोई भी सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है या वी से शुरू हो रहा है तब आप उस सेंटेंस में शैल हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई सेंटेंस यू से शुरू हो रहा है, यू सेकेंड पर्सन, या ही सी इट से शुरू हो रहा है थर्ड पर्सन, या इनके अतिरिक्त भी किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट थर्ड पर्सन, या नेम सिंगुलर प्लूरल, ये आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। देखते हैं वाक में इनका प्रयोग करके। पहले हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की बनावट कैसी होगी? सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप हैव का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव का मतलब होता है जब आप किसी वर्ब के सामने टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाती है। करके देखते हैं, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इस सेंटेंस में किसी मजबूरी की बात हो रही। मुझे का मतलब होगा आई, ये सब्जेक्टिव केस है आई। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जैसा कि हमने पहले ही बात किया था शैल हैव का प्रयोग होगा, आई शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। इसी तरीके से मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, जिम्मेदारी, मजबूरी हो या जिम्मेदारी हो, आप विल हैव शैल हैव का प्रयोग करेंगे। मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, आई शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए यहां पर क्या है, हमें आज कॉलेज जाना पड़ेगा, हमें, ये भी फर्स्ट पर्सन है बट ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होती है बट वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। यहां पर सिंगुलर एंड प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो आप शैल का प्रयोग करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो तो आप यू का विल का प्रयोग करेंगे। सॉरी, तुम्हें एक निबंध तैयार करना होगा, यहां पर जिम्मेदारी है, यू विल हैव टू प्रिपेयर एन एसे। उसे एक पाठ तैयार करना पड़ेगा, यहां उसकी मजबूरी है, ही विल हैव टू प्रिपेयर अ चैप्टर। श्याम को कुछ करना पड़ेगा, श्याम विल हैव टू डू समथिंग। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस के वाक संरचना होगी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेंगे,
उसके बाद विल सेल लगाएंगे, विल सेल के बाद आप नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद आप हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस संरचना एक बार हम फिर से करके देखते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी, आई सेल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, आई मतलब सेल, हमें आज कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, वी मतलब सेल, वी सेल नॉट हैव टू गो टू कॉलेज। इसके बाद कुछ भी है आपको विल लगाना है। तुम्हें एक निबंध नहीं तैयार करना होगा, यू विल नॉट हैव टू प्रिपेयर एन एसे। उसे एक पाठ तैयार नहीं करना पड़ेगा या उसे एक पाठ नहीं तैयार करना पड़ेगा, दोनों सेम चीजें हैं। ही विल नॉट हैव टू प्रिपेयर अ चैप्टर, श्याम को कुछ नहीं करना पड़ेगा, श्याम विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग। उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग। अब हम देखते हैं कि हम इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्या को पहले लेकर के आते हैं, अर्थात क्या से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, अगर आप किसी भी सेंटेंस को क्या से शुरू करते हैं तब आप उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर के आते हैं। देखते हैं, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, शैल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। पहले आप विल लगाएंगे, सेल लगाएंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे। फिर से हम देखते हैं, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी होगी, सेल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या हमें आज कॉलेज जाना पड़ेगा, सेल वी हैव टू गो टू कॉलेज। क्या तुम्हें एक निबंध तैयार करना होगा, विल यू हैव टू प्रिपेयर एन एसे। क्या उसे एक पाठ तैयार करना पड़ेगा, विल ही हैव टू प्रिपेयर अ चैप्टर। क्या श्याम को कुछ करना पड़ेगा, विल श्याम हैव टू डू एनीथिंग। अगर आप इसको शॉर्ट में एक बार फिर से समझें तो आपको आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, यू हो, थर्ड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, किसी का नाम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको विल इस्तेमाल करना है। सो प्लीज, यूट्यूब का ये चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस पाएं। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।